इस पर्दे के पीछे आपको एक सुंदर सा दृश्य उदयनगर राज्य नजर आएगा। उदयनगर राज्य के महाराज उदय सेन का शाही दरबार। महाराज उदय सेन अपने राज दरबार में विराजमान है और महाराज के दाहिने तरफ उनके दरबार के आला दीवान महामंत्री जालिम सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे और महाराज के बाईं तरफ उनकी महारानी चंद्रप्रभा और महारानी के बाईं तरफ उनकी सेना के सेनानायक सेनापति प्रताप सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे। उदयनगर राज्य के तख्त और ताज की सलामती के लिए नगर की कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही है। आइए देखते हैं तमाशे की पहली सीन और खेल का नाम तख्त और ताज छुपा हुआ राज। तख्त और ताज छुपा हुआ राज और डाकू संग्राम सिंह। हे दरबार ये कायम रहे, दरबार ये कायम चमकना Yeah।
सेन की जय हिंद जय भारत। महामंत्री जालिम सिंह हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को पांच पांच सर्फी और एक एक बनारसी साड़ी देकर सुरक्षा अनुसार मकान पहुंचाया जाएगा। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले जाओ और इनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से बाअदब रुखसत किया जाए। कंचनियों, आज मैं अपनी प्रजा के बारे में जानना चाहता हूं कि हमारी प्रजा किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करती है। ध्यान दीजिए, उदयनगर सल्तनत के हुक्मरान, अगर आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं, अपनी रियाया के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए राजन। Oh,
सम्राट योद्धानगर की सारी प्रजा राजन सदा खुशहाल है और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है। जब तक आपका गुलाम मंत्री जालिम सिंह है महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। महामंत्री जालिम सिंह आपसे यही उम्मीद है कि आप लोगों के रहते हुए हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। उचित स्थान को ग्रहण कीजिए। सेनापति प्रताप सिंह मैं आपसे सेना के बारे में जानना चाहता हूँ। राजन आप मेरी सेना के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी सेना किस तरह से है, तो सुनिए महाराज। और मेरी सेना का अच्छा का मेरी सेना का अच्छा का और चल रहा मेरे मेरी से नाचा अच्छा मेरी से हरदम और कान की बाजी लगा कर देती हमारा और मुझे अपनी सेना पे नाज। सम्राट और मुझे अपनी सेना पे नाज और चल रहा है मेरे नगर में यह सेना प्रताप सिंह कायम रहेगा। किसी भी दुश्मन में लोटा का नहीं है जो कि हमारे इस उदयनगर बॉर्डर। मैं तेरी हिम्मत पर दाद देता हूं कि आप लोगों के रहते हुए कोई भी दुश्मन हमारी राजधानी तरफ आक्रमण नहीं कर सकता। उचित स्थान को ग्रहण कीजिए। महामंत्री जालिम सिंह और सेनापति प्रताप सिंह एक राज बताना चाहता हूं। जब से महारानी चंद्रप्रभा का आगमन हुआ आज तक कोई संतान नहीं प्राप्त हुआ। न जाने कितने पूजा न जाने कितनी आराधना की कोई। तब मैंने भोलेनाथ का मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद उनकी पूजा उनकी आराधना से एक कुंवर का जन्म हुआ जिसका नाम मदन सेन है। मदन सेन के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बनवा रखा है। जब कुछ दिन व्यतीत होते हैं तो दूसरे कुंवर का जन्म होता है जिसका नाम विमल सेन है। विमल सेन की भी दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बनवा रखा है ताकि बच्चों पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। यही बताना था। हजूर राजकुमार मदन सेन जी राज दरबार में आना चाहते हैं। आना चाहिए, इजाजत ले हो। Thank you.
आने का कारण पिताजी। नमस्ते नमस्ते पिताजी। अचानक आने का तात्पर्य क्या है? आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है, कहो क्या कहना चाहते हो? हे पिता आपसे आरजू है मेरी, माघ मेला लगा गंगा तट घाट पर, आज गंगा तट में माघ मेला लगा हुआ है और लाखों नर नारी वहां जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे और मेला देखेंगे। मेरा भी जी चाहता है चाचा जी के साथ जाऊं, गंगा स्नान करूं और मेला देखूं। कुंवर मदन सेन, तुम्हारे दिल में इच्छा प्रकट हुई है महाकुंभ का मेला और गंगा स्नान करने की बात, तो महामंत्री जालिम सिंह कुंवर मदन सेन को ले जाओ महाकुंभ का मेला और गंगा स्नान करा करके शीघ्र ही लाना। राजकुमार, अगर आपकी हार्दिक इच्छा है कि आप नाथ का मेला देखना चाहते हो और गंगा स्नान करना चाहते हो, तो आप पिताजी से आज्ञा लो, हम तुम्हें मेला दिखाने में चल रहे हैं। इतना घबराए क्यों हो? बात क्या है महाराज? बड़ा गजब हो गया। कैसा गजब हुआ? डाकू संग्राम सिंह अपनी बस्ती को लूट रहा है, न मालूम कितने सैनिकों को जान से मार दिया है। हुजूर डाकू को पकड़वाए। डाकू है, अरे बस्ती को लूटने वाला और सैनिकों को मारने वाला सेना पर प्रताप जन। अगर डाकू संग्राम सिंह ने बस्ती को लूटा है और सैनिकों को मार गिराया है, तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि 24 घंटे के अंदर संग्राम सिंह के हाथों में हथकड़ी होगी और पैरों में बेड़िया डालकर खसीरते हुए छोड़ो महाराज के हुक्म तामिल हूं। आओ हमारे साथ। रहो महारानी चंद प्रभा। स्वामी, अपना बड़ा बेटा मदन सेन मंत्री जालिम सिंह के साथ माघ मेला देखने गया। आओ चलती हूं अपने सैन कक्ष में बैठकर अपने छोटे बेटे विमल सेन के साथ अपना दिल बहलाती हूँ। स्वामी महारानी चंद्रभा, भाई माँ की ममता ही ऐसी होती है, अगर तुम्हारे दिल में इच्छा प्रकट हुई है कुंवर के साथ दिल बहलाने के लिए, तो हम भी सहमत हैं। आओ दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। अवश्य हुजूर।
शाही दरबार यहीं समाप्त किया जाता है। हाँ। अगली सीन आप लोग देखिएगा। हाँ। अगली सीन में होता क्या है बोलिए गोविंदा भाई। लेकिन गंगालाल कहना क्या है? क्या कहना गोविंदा भाई? रूप सजने से सिंगार नहीं होता है। नहीं होता रूप सजने से। हाँ। सिंगार नहीं होता है। हाँ। लेन देन से व्यापार नहीं होता है। हाँ। मोहब्बत के फूल तो खिल जाते हैं एक नजर में। हाँ। वरना सात फेरों में प्यार कहाँ मिलता। क्या बात है गोविंदा भाई। कहना है। हाँ। दीप में सूर जैसा जोश कहाँ होता है। दीप में सूर जैसा जोश कहाँ होता है। हाँ। दिमाग अगर उलझन में हो तो खामोश नहीं होता है। हाँ। यूं प्यार देने को दे देते हैं जमाने वाले। हाँ। लेकिन जब तक माँ न दे प्यार। हाँ। दिल को संतोष नहीं होता। क्या बात है गोविंदा भाई। मलवा के गलवा पला मलवा के गलवा पला रोटवा पे चाले तो मार चाल। गोविंदा भाई राम राम। राम राम नहीं करे। जय राम। तुम्हारे घर में हमारो काम। रास्ता मिलो सौ सौ ग्राम और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज तुमने रात दरबार में कुछ देखा कुछ सुना? हाँ, क्यों नहीं। आज रात दरबार में मैंने देखा और सुना भी। रात दरबार में का देखे का सुने हो? आज रात दरबार में मैंने यही देखा और सुना कि उस डाकू संग्राम सिंह ने अपने राज्य में तहलका मचा रखा है और महाराज का हुक्म हुआ है सेनापति जी गिरफ्तार करके ले आएंगे। देखो। हाँ। हमका तुमका कहा करेगा है। सही बात। चाहे बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। सही बात। सही बात कही थे पंपापुर में रही थे। हाँ। दूध मदही गोविंदा की बात बिल्कुल सही। सही। अभी अभी मंत्री जी आएंगे। हाँ। हमको तुमको करना क्या है। हाँ। वो खुद बताएंगे।